भदोही ज्ञानपुर से नेहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच और चोरी पुलिस को मिली सफलता, 70 गैस सिलेंडर के साथ सात चोरों को दबोचा। भदोही जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया था। एसपी के आदेश के अनुपालन में चोरी पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की संयुक्त टीम ने 70 गैस सिलेंडर के साथ सात अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरों के कब्जे से 70 गैस सिलेंडर, एक पिकअप, एक चोरी की मोटरसाइकिल, दो गैस चूल्हा, एक रिम्मा, सात मोबाइल, 2050 रुपया नकद बरामद हुआ है। एसपी के मुताबिक आरोपियों का एक गैंग है। 22 जनवरी की रात रमेश व जयदेव मानिकपुर के गैस एजेंसी के गोदाम के बाउंड्री में घुसकर गोदाम के हाथे में गए रम्मा से नीचे गोदाम में लगी जाली को सेंध लगाकर निकाल लिया और गोदाम के अंदर घुसकर 70 गैस सिलेंडर व चूल्हा अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी किए थे। गिरफ्तार आरोपियों में जयदेव यादव, पप्पू उर्फ लाल बहादुर, रमेश उर्फ मूसे यादव, नंदू उर्फ रविंद्र सरोज, संजय गुप्ता, मंदरू यादव जनपद भदोही से व शिव प्रसाद विश्वकर्मा जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं। आरोपियों को चोरी पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मोरवा नदी के पास से गिरफ्तार कर लिया। बाइक पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह, 22 जनवरी की रात में यहाँ मानिकपुर में गैस गोदाम है, उसमें से चोरी हो गया था, तो उसका हमारी टीम ने पूरा पता लगाया, जिसमें 70 सिलेंडर चोरी गए थे। सभी 70 सिलेंडर जिस पिकअप गाड़ी से गए थे, वो पिकअप गाड़ी और सभी जो चोरी करने वाले थे वो, और जिसके हाथ में गए थे, ये सभी सात लोग गिरफ्तार हो गए हैं आज। तो एक लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है कि पहले, इसमें से तीन लोग हैं जिनका भी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जयदेव का, पप्पू लाल बहादुर और रमेश का, बाकी का हम पता कर रहे हैं। तो कैसे चोरी करते लग रहा है देखने से कि उन्होंने पहले भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही सफाई से चोरी की थी। इसके पहले भी घटना को अंजाम दिए हैं? हाँ, इससे पहले का भी है, तीन लोगों का है पहले का। ये लोग सब जनपदीय ही है? ये इसमें एक वाराणसी का है, एक जौनपुर का है और बाकी भदोही के है।